रीट्रांसलेट इन हिंदी सकते हैं? पुत्र खुद से कुछ नहीं कर सकता. पुत्र खुद से कुछ नहीं कर सकता. हम खुद से कुछ कर सकते हैं? नहीं. नंबर टू. मैं खुद कुछ नहीं कर सकता. मैं अपने खुद ही से कुछ नहीं कर सकता हूँ. नंबर थ्री. मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, पिता की इच्छा चाहता हूँ. मैं अपनी खुद की इच्छा नहीं चाहता हूँ, परंतु पिता जो चाहते वही. ठीक है. नंबर फोर. मेरी शिक्षा या मेरे सिद्धांत मेरे नहीं, लेकिन उसने जिसने भेजा उसके. मेरे सिद्धांत मेरे नहीं है, अपने नहीं है हमारे सिद्धांत, पर परमेश्वर के है, पिता के है. नंबर फाइव. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. मैं अपने आप से कुछ करता नहीं हूँ. मैं अपने आप से कुछ करता नहीं हूँ. नंबर सिक्स. मैं हमेशा वही करता हूँ जो उसे प्रसन्न करता है. मैं हमेशा वही करता हूँ. मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं करता हूँ जिससे परमेश्वर दुखित होते मेरे पिता. नंबर सेवन. मैं परमेश्वर से आया और मैं अपने आप से नहीं. मैं परमेश्वर से आया, तो मेरा ओरिजिन क्या है? परमेश्वर. मैं उनसे आया हूँ, मैं अपने आप से खुद ही से नहीं आया. नंबर एट. मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूँ. मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता हूँ, वरन परमेश्वर की बढ़ाई चाहता हूँ, मेरे पिता की बढ़ाई चाहता हूँ. नंबर नाइन. खुद से नहीं बोलता, लेकिन पिता ने जो आज्ञा मुझे दी. तो मैं अपने शब्द भी. एक बात बताओ मुझे, क्या आपको, आप यकीनन बोल सकते हो कि जो आप बातें करते हो वो पिता की तरफ से है? इसलिए बोले बी स्लो टू आराम, स्लो टू एंगर, स्लो टू स्पीक, स्लो टू एंगर एंड लिसन, स्विफ्ट टू हियर. ज्यादा सुनो गुस्सा और बात. टेन. मेरे काम मेरे नहीं, लेकिन जो पिता है वो मेरे द्वारा काम करता है. मेरे काम मेरे नहीं है, वरन पिता मेरे द्वारा. समझ में आ रहा है आपको? जो मैं काम कर रहा हूँ पिता मेरे द्वारा काम कर रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकता है? असफलता उसमें कैसे रह सकती है? देखो ना क्या क्या. असफलता उसमें कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है. तो बाप और बेटे में इतना गहरा रिश्ता था कि यीशु मसीह सच में उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिरते थे, सब कुछ पिता है. पिता लगातार उनके मन में था. वो कुछ ऐसे शब्द बोल ही नहीं सकते थे जिससे पिता को ठेस लगे या पिता को महिमा ना मिले. He was conscious of the father. Are you conscious? या जब हम एक रूप धारण करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, या जब हम निराश होते हैं, या जब हम चिंतित होते हैं, या जब हम भयभीत होते हैं, एक रूप धारण करते हैं जो पिता को महिमा नहीं देता है. ध्यान से सुन रहा, हम कुछ ऐसे बन जाते हैं जो हमारे नियम के खिलाफ है, जो उस स्वर्गीय किंगडम, द किंगडम ऑफ गॉड के खिलाफ है. इसलिए आपको उस अवस्था में शैतान ना आपको जल्दी पकड़ सकता है. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अलग कर रहे हो, वंचित कर रहे हो उस पावर से, उस सामर्थ्य से जो यीशु ने दिया. इसलिए देखो सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है, सबसे ज्यादा गलतियां कब करते हो पता है? जब आप गुस्से में हो. सबसे गलतियां, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब आप निराश हो, क्योंकि आपका दिमाग काम करना बंद करता है. ऐसे अवस्था में अपने आप को लाओ ही मत. नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है. लास्ट टाइम कॉल आया था इंश्योरेंस वाले, हेल्थ इंश्योरेंस वाले, सर हेल्थ इंश्योरेंस. हमने बोला हम तो बीमार नहीं पड़ते. बोले नहीं कैसा, ऐसा कैसा, घर में कोई तो रहेगा जो बीमार पड़े. हाँ नहीं हम नहीं, घर पे भी नहीं है कोई ऐसा बीमार पड़ने वाला. तो बोले नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है मतलब? नहीं पिछले साल में कोई ना कोई तो हॉस्पिटल नहीं जाते हम लोग. नहीं ऐसा थोड़ी होता मतलब? आप मेरे भला चाहते हो, आप बुरा चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो? वो लोग स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि उनके माइंड से परे है कि ऐसा जीवन कोई जी सकता है. हमें जानना है कि हम कौन है और हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, फिर हम ऐसे साधारण जीवन नहीं जिएंगे. गुस्से में मत जियो, ऐसे पत्थर जीवन मत जियो. देखो इन दोनों के बीच में कितना गहरा रिश्ता है, कितना प्यार है. ये लोग, जीसस नेवर फाइंड्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फादर. उनके सबसे दुखित मोमेंट में भी वो पिता को पुकारते हैं. वो डिसाइपल्स को बोलते हैं माय सोल इज स्ट्रगल्ड,
My spirit is troubled. Disciples, शिष्य को बोलते कि मेरे आत्मा जो है व्याकुल है, पर फिर भी पिता के सामने जाके वो अपना मन पूरा हल्का करते हैं और बोलते पिता तुम्हारा आदर हो, या जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे ही हो पूरी। गेटिंग इट? लोग हमारे चेहरे से पता चलता है कि हम निराश है, हम डिप्रेस्ड है, हम एंग्री है। यीशु के चेहरे से कभी ये पता नहीं चलता था, नहीं पता चलता था। अभी के अभी आप बता सकते हो किसी को, कोई भी अगर दिखाई देगा ना कि उनके साथ क्या हुआ है, चेहरे से पता चलता है। यीशु के चेहरे पे हमेशा वो रौनक, वो सुकून, वो शांति, वो अंदर का आनंद, वो सामर्थ, वो पिता से कनेक्शन। क्यों? क्योंकि वो नजरें कभी भी आदमियों के ऊपर, और इट इज रिटन दैट बिकॉज ही न्यू व्हाट वाज देयर इन मैन, वो आदमियों पे भरोसा नहीं करता था क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य किस चीज से बना हुआ, क्या है, कैसा व्यवहार करता है। आपको सबसे ज्यादा दुख गुस्सा मनुष्य की वजह से होता है, हाँ कि ना? Yes. आपको पहाड़ के ऊपर डाले गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको आप हड़बड़ी करोगे, आप जल्दी में रहोगे, किधर जाने के लिए, पहाड़ पे तो बैठे हो, और क्या करना है? कुछ गलत करोगे पहाड़ पे बैठो, कुछ गलत करोगे, क्योंकि मनुष्य नहीं है। सारे हमारे जो भावनाएं, सारे हमारे जो इमोशंस हैं, मनुष्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने अपने नजरें, अपनी आंखें परमेश्वर से हटाकर मनुष्य के ऊपर डाल दिया। इसलिए उनके पास अधिकार है हमें जैसे भी चाहते हैं हमें कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए। पर यदि परमेश्वर के ऊपर, हमारे पिता अब्बा पिता के ऊपर हमारे, कोई कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता है यार। इसलिए कोई यीशु को छू भी नहीं सकता था जब तक वो नहीं चाहते थे। मैं ऐसे हूँ, नोबडी कैन टिल माई हार्ट डजंट कम, नोबडी कैन टच मी, कोई मुझे छू नहीं सकता जब तक मेरा समय नहीं आता। जब मेरा समय आता है मैं खुद ही आता माई लाइफ नोबडी टेक्स फ्रॉम मी, मेरा जीवन मुझसे कोई लेता नहीं है, मैं खुद देता हूँ। वाह, व्हाट अ मैन! डिसाइपल्स ने भी कहा, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज दिस, कैसा, ये कौन से मिट्टी से बना है यार? क्योंकि पिता के साथ ऐसा गहरा रिश्ता था। एक समय लेकर बैठो और देखो जॉन में कि वो कैसे पिता और यीशु के ये सुनहरे रिश्ते को बयान करता है लफ्जों में, आपका दिल छू जाएगा। क्योंकि पूरे कलाम में कहीं नहीं लिखा गया है यीशु और पिता के रिश्ते के बारे में। एपिस्टल्स में पढ़ोगे द गॉड गॉड योर फादर एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब पिता इज नोन एज द फादर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। समझ में आ रहा है? पिता को गर्व कब रहता है? जब मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करता है ना तो मुझे गर्व रहेगा कि मेरे नाम से। पिता को गर्व है कि यीशु मसीह मेरा बेटा है, द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्रेस एंड मर्सी बी अनटू यू। सो क्यूट दया यार, सी दिस, सो क्यूट। सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, व्हाई डिड द फादर सेंड द सन एंड व्हाई डिड द सन डाई ऑन द क्रॉस? पिता ने यीशु मसीह को क्यों भेजा धरती पर और यीशु मसीह क्यों मरे? दिस विल बी लिटिल हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट। क्या बोल सकते हो आप? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसको ईमान लाए अलग ना हो या नाश ना हो, बल्कि अपने जीवन पाए या अनंत जीवन पाए। करेक्ट, जगत से सेकेंडरी, वो तो दूसरी वाली बात थी, पहले वाला बात है। Why did the father send the son? पिता ने यीशु को क्यों भेजा? स्क्रिप्चर वर्सेस है नहीं ये प्रूव करने के लिए, पर आपको ये पता होना चाहिए। Why did the son come? Why did the son die? द फादर, पिता ने पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि पुत्र ने जिद किया कि मुझे जाना है, मुझे इस सृष्टि को बचाना है, इन लोगों को बचाना है जो तुमने अपने प्यार से बनाया। क्योंकि हर दिन पिता के हृदय को देखते हुए
कि वो कैसे व्याकुल हो रहे कि मेरे लोग जिसको मैंने बनाया मेरे सृष्टि कैसे नाश हो रहे। तो यीशु ने कहा मैं चाहूँगा। पिता ने कहा होगा कैसे, पर पिता ने इसलिए भेजा क्योंकि वो पिता प्यार करते थे यीशु से, क्योंकि यीशु ने कहा रहेगा कि हे पिता अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका दिल इन लोगों में है जिनका नाश हो रहा है, इनके लिए कुछ और किया नहीं जा सकता है। और पुत्र इसलिए गया क्योंकि वो पिता से प्रेम करते हैं, और पिता ने पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि वो पुत्र से प्रेम करते हैं, क्योंकि पुत्र ने जिद किया है पिता मुझे पता है कि आपका दिल वापस ये है और मैं जाऊँगा इन लोगों के लिए मरने के लिए। इनके प्यार के वजह से दोनों ने ये सब कुछ कर दिया हमारे लिए। इनके प्यार में, इनके गहरे प्यार में एक दूसरे के लिए हम महफूज हैं, हमें उधार मिला है, हमारा भलाई हुआ है इन दोनों के प्यार के रिश्ते के वजह से, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। आई शो यू, ये तब तक हम समझ नहीं पाते जब तक हम एक बहुत ही क्या बोलते उसको पुअर फैमिली था, गरीब परिवार था, जिसमें एक हस्बैंड था और एक वाइफ, पति और पत्नी। पत्नी के पास लंबे बाल थे, बहुत लंबे बाल थे, और पति से उसने बोला एक दिन कि आजी सुनते हो क्या आप मेरे लिए कंघी ला सकते हो क्या कंघी, क्योंकि मैं अपना बाल को थोड़ा संवरना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छे से रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे हैं, थोड़ा अच्छे से रखना चाहता हूँ प्लीज। तो बोला नहीं नहीं मेरे पास घड़ी पहनने के लिए घड़ी नहीं है, तो मुझे रिपेयर के लिए देना है, उतने ही पैसे मेरे पास। पर वो जाता है बाहर, और जब उसको पूरा दुख लगता है कि पत्नी ने कभी कुछ नहीं मांगा पर एक कंघी तो मांगा, चलो मैं अपना वॉच बेच कर एक कंघी लाता हूँ। तो उन्होंने अपना वॉच बेच दिया और कंघी ला दी, और घर आने के बाद वो बहुत खुश हो रहा था कि अपनी बीवी को फाइनली कंघी दे दी। पर घर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि बीवी ने अपने बाल काट दिए, और अपने बाल बेचकर बीवी ने उनके लिए घर लिया। यही प्यार है बाप और बेटे में, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उनके प्यार में हम महसूस हैं। पिता, यीशु ने कहा जो कोई पिता देता है मुझे वो ही मेरे पास आता है। पिता हमको यीशु के पास लाता है, यीशु कहता है तुमने मुझे जो दिया मैं तुम्हें वापस देता हूँ, क्योंकि मैंने उनको रखा है मैं तुम्हें वापस देता हूँ। तो महफूज रखने के लिए बेटा वापस हमको पिता के पास देता है, ताकि पिता हमें महफूज रखे, ताकि अंत के समय में हमें दुल्हन बना के बेटे को दे दे, ताकि नए यरूशलेम में अनंत काल के लिए हम सब एक हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, पिता मेमना और हम। एक बात कहूं, हम कौन है? पिता और बेटे के प्यार में हम महफूज है, हम एक तोहफा है पिता से बेटे को, और बेटे से पिता के बीच में हम एक तोहफा है, और हम हमेशा चाहेंगे कि सबसे उत्तम तोहफा देंगे उनके लिए जो हम प्यार करते हैं। इसलिए पिता हमें सब चुनकर पूरे सृष्टि के पहले से ही हमें चुनकर हमें बेटे को देता है। बेटा हमें अच्छे से बनाकर, महफूज बनाकर हमारे लिए मध्यस्थी का प्रार्थना करता है लगातार कि हम गिरे ना, हम अच्छे से रहे, अच्छे रहे, क्योंकि हमें एक तोहफा है वापस से पिता को देने के लिए, ताकि पिता हमें महफूज करे, हमें अच्छे से रखे, हमें ताकि दुष्ट आत्मा या दुश्मन हमें चुने ना, ताकि हम नाश ना हो और हम नर्क में ना जाए, ताकि वापस वो हमें बेटे को दे सकता है, एक दुल्हन सजाकर, एक दुल्हन सजाकर, ताकि वापस हम बाप और बेटे के प्यार में महफूज रहे अनंत काल तक। वाह,
अभी आपको पता है कि इतना लाड़ प्यार आपके ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि सबसे उत्तम आपको बनाकर एक दूसरे को तोहफा देना चाहते हैं। Wow, unto the taki uski mahima ho, unto the praise of his glory. Open your Bible. John 17. I want you, sab log, abhi is nazar se John 17 padh lo. इस नजर से रीड फ्रॉम फर्स्ट वर्स और गौर से देखो, पहले बार बाप और बेटे के इस सुनहरे रिश्ते के बीच में आपको आने देने का मौका मिल रहा है, नौबत मिल रहा है। जान लो कि उनका प्यार कैसा है, पहले बार आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। गौर से सुनो हर शब्द। स्टार्ट। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। सुन लो अभी पिता, अभी यीशु प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, बातें कर रहे पिता से, इनके प्यार इनके रिश्ते के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है जिससे हम सदियों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए सदियों से इंतजार कर रहे थे, जिसका प्लानिंग हमने इतना शुरुआत से किया था, वो घड़ी आ पहुंची है। भी आगे, क्योंकि नहीं, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। दे आर ऑलवेज अबाउट ईच अदर, मेरी महिमा तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा मेरी महिमा, मेरी महिमा में तुम्हारी महिमा, तुम्हारी महिमा में मेरी महिमा, महिमा 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 महिमा। समझ में आ रहा? आगे देखो वर्स 2, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। जिसने दिया, किसने दिया? पिता ने दिया। हे पिता, तूने जो मुझे सौंपा है ना कि मैं उनको अनंत जीवन दूं, मैंने महफूज रखा है उनको, तुम्हारे तोहफे को संभाल कर रखा है मैंने। सी आगे, रीड आगे बस। और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा, जिसको तूने भेजा जाने। अनंत जीवन यही है कि हम जाने कि उन दोनों के प्यार में हम महफूज है, हम उनको जाने, क्योंकि जब हम उनको जानते हैं हमें पता है कि हम कौन है। एक तोहफा है एक दूसरे के बीच में उनके। हाउ ब्लेस्ड या हाउ ब्लेस्ड, कचरे से उठाकर हमें इसलिए इतना सुंदर बनाया दैट वी कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ हिम अनटू हिज ग्लोरी, नाउ अनटू हिम दैट इज एबल टू कीप अस फ्रॉम फॉलिंग and present us faultless before the presence of his glory. उसके सामने ही हमको खड़ा करने के लिए वो हमें पवित्र रखता है, बनाता है। Amazing यार, amazing। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कुछ तूने दिया पिता मैंने कर दिया है, वाओ महिमा कर दिया है। अब हे पिता, सुन, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने कर दिया आपको, आपका महिमा कर दिया। अभी वो महिमा पिता, वो सुनहरा रिश्ता जो है वापस लौटा दो ना पिता प्लीज। फिर भी 3 घंटे उस क्रूज के ऊपर हमारे वजह से वो रिश्ता अंधेरे में चला गया। 3 घंटे तक सदियों से वो जो गहरा रिश्ता था पिता और पुत्र के बीच में, 3 घंटे के लिए हमारे खातिर, 3 घंटे से ज्यादा यीशु मसीह टिक भी नहीं पाए पिता के बिना, और टिकना भी नहीं चाहते। काफी था 3 घंटे के लिए कि उन्होंने कहा, माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी।
अब सोचो, जब आपका इतना अच्छा रिश्ता होता है, हमारे बच्चे या हमारे पति या हमारे पत्नी अगर वो लोग दूर जाते हैं या कुछ होता है उनको, माता पिता अगर कुछ होता है उनको, हम हमें दुख होता है। ये रिश्ता तो सदियों से था, हम तो 30 साल तक जीते हैं उनके साथ, जिनके साथ हम हैं, सदियों से गहरा रिश्ता जो एक दूसरे से, इन 3 घंटों में रोशनी सूरज से अलग हो गई। इन 3 घंटों जो कभी अलग नहीं हो सकते, वो किसके लिए? यीशु मसीह यहाँ पर रुके, बोले पिता वो महिमा दे दो मुझे, पर मुझे मालूम है एक घड़ी आने वाली है जिससे मुझे गुजर कर जाना पड़ेगा, पर मुझे वो महिमा दो। इसलिए लिखा गया है कि सारे, जब वो उठकर वापस आ गए, सारे अधिकार के ऊपर यीशु को एक ऐसा नाम दिया, ऐसा नाम दिया कि उसके नाम के आगे सारे घुटना टेकेगा और सारे जुबान बयां करेगा कि यही यीशु, वो महिमा उसने लौटा दिया जो पृथ्वी के आगे था। आगे देखो, मैंने तेरे नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। तूने मुझे दिया इन मनुष्य जो मेरे पास है, पिता ये तेरे तोहफे थे मेरे लिए, मैंने उनको संभाल के रखा, मैंने तुम्हारा नाम प्रकट किया है उनको। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम पिता है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब कुछ तेरे और से है। अरे यार कितना प्यार उमड़ रहा है ना पिता के लिए। एंड जॉन वॉज देयर टू हियर इट। वाओ, यूहन्ना वहां पर खड़े होकर एक एक शब्द सुन रहा था। अमेजिंग। एक एक चीज करते हैं, 5 मिनट के लिए कोई प्रार्थना करो, बाकी लिखो कि वो उसने क्या प्रार्थना है। 5 मिनट के लिए लिख पाओगे? यूहन्ना सुन रहा था ये। सी आगे, यू कांट जस्ट, एक एक वर्स जो यीशु कह रहे ना यहाँ पे, वो उमड़ उमड़ कर पिता का प्यार इतना दिखता है ना उनके बीच में। सी वर्स 8, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उनको उन्हें उनको पहुंचा दिया है, मतलब आई हैव गिवन इट टू देम, और उन्होंने उनको ग्रहण भी किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो जान गया है, वो पहचान गया है कि मैं तुम्हारे तरफ से आ गया हूं। ठीक है, आगे देखते। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है। क्यों? संसार तोहफा नहीं है मेरे लिए, ये तुम्हारा तोहफा है, इसलिए इनके विनती करता हूं, इनके लिए, संसार के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है कि आप एक तोहफे के रूप में यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के पास आए। आपको परमेश्वर ने चुना है, उस अंधेरे से निकाल कर इसमें डाल दिया, एक तोहफे के रूप प्रेजेंट करने, संसार को नहीं, संसार अभी भी अंधेरे में है। What a blessed life. I am a gift to the sun. मैं बयान नहीं कर सकता इसलिए मैं अटक के बैठा हूं यहां पे, पर आपको पता चल रहा क्या है, मैं एक तोहफा हूं पुत्र को, क्योंकि जो पुत्र ने कार्य कर दिया है मुझे लगा कि और अच्छे, चांद सूरज तारे रोशनी सब उसी के है, इससे ज्यादा उसको क्या मिल सकता है, सब तो यीशु के पास है, इससे ज्यादा तोहफा परमेश्वर क्या दे सकता है अपने पुत्र को। एक चुनी हुई कौम, एक चुना हुआ गोत्र, प्रजा, हम सारे सृष्टि का कर्ता धर्ता, आई मीन ही क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, सब कुछ तो उसका है, हम भी उसी के हैं, पर हमको चुना है और दिया है अपने पुत्र को। हाउ ब्लेस्ड। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि सारे स्मॉल पपीज बैठे हैं वहां पे, पर आपको एक पपी अच्छा लगा और वो एक पपी को लेकर आप आपके बेटे या बेटी या बीवी को या बच्चे को देते हो तोहफे के रूप में, बाकी पपीज को छोड़ दिया, वो पपी का भला हो जाता है। क्यों?
क्योंकि आपने चुना है एक तोहफे के रूप में देने के लिए। हाँ, उस पपी का भला हो गया, वरना वो नाश होता था। हम वो, और बच्चा क्या करता है पपी के साथ? खुश होता है, मगन होता है, खेलता है और बोलता है पापा को कि आप इनका ख्याल रखना, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं इनका ख्याल नहीं रख सकता, पर आप इनको नहलाओ। बच्चा नहलाता है डॉगी को? नहीं ना, बच्चा सिर्फ खेलता है डॉगी के साथ, नहलाते वहलाते कौन है? पप्पा। तो यीशु मसीह ने हमें ग्रहण कर लिया अपने अपने पर, वापस से हमको पप्पा को दिया है ताकि पप्पा ख्याल रखे हमारा। यार यू कान एंड दिस, यार ये नहीं, विल ट्राई, चल विल ट्राई। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो सब बस ले। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आ जाऊंगा। I'm coming to you, father. I'm coming to you. स्कूल खत्म हो गया, बेल रिंग होने वाला है, मैं घर जाने वाला हूँ, हॉलीडेज छुट्टी शुरू। वो आनंद जो बच्चे के दिल में रहता है, स्कूल खत्म, बस बैग फेंको, बुक्स मत दिखाओ मुझे, पूरा दिवाली वेकेशन बुक्स मत दिखाओ मुझे, है ना, ये फेंको वो फेंको सब फेंको, स्कूल खत्म हो रहा है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास पिता, मैं आ रहा हूँ, ये एक्साइटमेंट देखो उनके, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास पिता, मैं आ रहा हूँ। पवित्र पिता, पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। उनकी रक्षा कर पिता, मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ ताकि हमारे समान वो, और हम ज्यादा क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं दूसरे से ताकि जितना अलग है हम वो दिखाए। तुम मेरे जैसा नहीं हो, तुम मेरे जैसा व्यवहार नहीं करो, तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, जितना अलग हो सकते उतना दिखाते हम। पर पिता और पुत्र का प्रेम देखो, बोल रहे कि हमारे समान एक हो। ओके, तो जो मेरा है वो, जो तेरा है वो, ये याद रखना ठीक है। उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। जब मैं उनके साथ था मैं उनकी रक्षा कर रहा था उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। पर पिता मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझ में एक्साइटमेंट तो है कि आपके पास आ जाओ, इसलिए पॉलस भी कहता है मुझे पता नहीं कि ऊपर जाओ या नीचे रहो, क्योंकि मुझे ऊपर तो जाना है यीशु मसीह के पास, पर तुम्हारे लिए नीचे रहना पड़ेगा। तो यीशु मसीह कह रहे पिता मैं तो ऊपर आ रहा हूँ और अब तक मैंने उनका रक्षा किया उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, पर आगे प्लीज उनका रक्षा करना है, संभाल के रखना उन्हें, ये मेरे तोहफे है प्लीज ठीक है। आगे देखो, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया उनका रक्षा किया, मैंने उनके, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश पुत्रों को छोड़े, छोड़ के वह नष्ट नहीं हुआ इसलिए। ओके, वर्स 13, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरे आनंद में अपने अपने में पूरा पाए। एक बात बोलो, शिष्य जो थे ना वो आनंदित नहीं थे, शिष्य जो थे वो निराश थे, उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ खत्म होने वाला था। 3 साल तक यीशु मसीह उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर का ख्याल रखते थे, अभी कौन संभालेगा उनको? पतरस को कौन संभालेगा वो बताओ पहले। पतरस ने बोला मैं फिशिंग करने के लिए जा रहा हूँ, सब पतरस ने जो कहा वो बस, उससे लड़ाई झगड़ा कोई नहीं कर सकता, अभी कौन संभालेगा उनको? वो लोग तो निराश थे, पर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जो आनंद है ताकि वो पूरे हो जाए उनमें, इसलिए मैं ये बातें इनके सामने कह रहा हूं, ताकि वो जाने कि आप सुरक्षा रखने वाले, आप उनका ख्याल रखने वाले हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हे छोटे बच्चे, तुम्हें तुम्हें क्यों नहीं पता है कि पिता का ये गुड विल है, इट्स हिज प्लेजर टू गिव यू द किंगडम, ये उसकी, व्हाट इज इट, लिटिल फ्लॉक डू नॉट बी अफ्रेड, भली इच्छा है कि वो तुम्हें राज्य दे, एंड डू नॉट बी अफ्रेड बिकॉज योर फादर नोज इन हेवन व्हाट यू नीड ऑफ।
अभी उनकी खरी परीक्षा आने वाली थी कि पिता उनका ख्याल रखने वाला था, इसलिए उनके सामने बोले थे, हे पिता, अभी तक उनका रक्षा मैंने किया है, पर आगे से तुम उनका रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना, उनका देखभाल करना। इसलिए ये बातें उनके सामने कह रहा हूं ताकि वो निराश ना हो, पर मेरे आनंद में वो आनंदित हो जाए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्यों क्यों आनंदित हो जाए? यदि मैं पिता के पास जा रहा हूं तो कौन आएगा वहां से? पवित्र आत्मा।